Hey everyone, welcome to the Bay of Law. In this video, we are going to study about res subjuris. मैं यहाँ पे res judicata को mix नहीं करूँगी. I'll make a separate video on that. अब section 10 of CPC है क्या, इसके technicality में जाने से पहले हम लोग layman के language में समझते हैं कि res subjuris है क्या. Res subjuris जो word है ना, उसका मतलब ये है कि कोई भी matter जो कि court में pending है, उसका फैसला भी नहीं आया है. इसे बोलने के बहुत से ढंग है, जैसे मैटर स्टिल इन कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट अंडर जजमेंट. लेकिन प्लेन भाषा में यही है कि कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर फैसला आना बाकी है, कोर्ट का जजमेंट देना भी बाकी है. अब इस सेक्शन का अगर मैं आपको जिस्ट बताऊं तो ये है कि अगर कोई सा भी मैटर कोर्ट में चल रहा है, किसी कोर्ट में, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो मैटर चल रहा है, तो आप सेम मैटर को लेके दूसरे कोर्ट में दोबारा से ट्रायल के लिए नहीं जा सकते. मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनना. आप सेम मैटर को जो कि एक कोर्ट में चल रहा है, दूसरे कोर्ट में दोबारा से ट्रायल के लिए नहीं ले जा सकते. ये है इसका मतलब, बस यही है ये सेक्शन. अब इसी में टेक्निकलिटीज है, हम उसे पढ़ेंगे. अच्छा, जब मैंने ये दो बार लाइन बताओ कि रिपीट करी थी, मैंने इस वजह से रिपीट करी थी ना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था ट्रायल, दोबारा से ट्रायल नहीं करा सकते. तो मतलब जब सूट फाइल होता है तो सबसे तुरंत क्या ट्रायल शुरू हो जाता है. आप ट्रायल से समझते क्या है, ट्रायल शब्द का मतलब क्या है. देखो, ट्रायल से पहले वो सारे स्टेप आता है ना, जब कोर्ट मतलब इश्यूज फ्रेम करती है. ये मतलब जब भी सिविल सूट चलता है तो उसमें स्टेजेस रहते हैं बहुत से, तो वो जितने भी स्टेजेस रहेंगे कोर्ट के इश्यू फ्रेम करने से पहले, वो सब चीज ट्रायल से पहले आती है. मतलब उन चीजों पे बार नहीं है, ट्रायल पे बार है. मतलब कि मैं प्लेन फाइल कर सकती हूँ क्या दूसरे कोर्ट में? हाँ, मैं बिल्कुल फाइल कर सकती हूँ, मेरा मैटर एक कोर्ट में पेंडिंग है ना. मैं रेस सब्जुडिस की बात बता रही हूँ, प्लीज मिक्स मत करना अगर आपने रेस जुडिकेटा पढ़ रखा है. तो अगर आपका मैटर एक कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब आपका मैटर जो है किसी कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप जो है दूसरे कोर्ट में सूट तो फाइल कर सकते हैं, प्लेन तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल नहीं होगा उस पे. ये है रेस सब्जुडिस का मतलब, समझ आया. अब यहाँ पे इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना, बहुत एम्फेसिस देना कि ट्रायल वर्ड क्या है. मैं दोबारा से बता देती हूँ, अगर आपका मन करे आप दोबारा से वीडियो को मतलब वापस से देख सकते हो. लेकिन ट्रायल से पहले वो सारे स्टेप्स रहते हैं जितने स्टेप कोर्ट लेती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. अब कितने स्टेजेस रहते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो है, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं बता रही. पर इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन कोर्ट उस पर जो है ना ट्रायल नहीं करेगी. ठीक है, आप प्लेन फाइल कर सकते हो. पीछे का रीजन क्या है, क्यों यार मेरा मतलब मैटर एक कोर्ट में चल रहा है, मैं क्यों ना दूसरे कोर्ट में ले जाऊँ. देखो, इसका रीजन क्या है. सबसे पहला रीजन तो ये है, मान लो दो कोर्ट है, ठीक है, जरूर थोड़े कि दोनों सेम ही फैसला दे. अगर आप अपनी बात लेके दो लोगों के पास जाते हो तो जरूर थोड़े कि एक ही सजेशन दे, अलग अलग सजेशन दे सकते हो, सकता है ऐसा बिल्कुल. तो आप मानोगे कौन से कोर्ट को, दोनों कोर्ट ही मान लो कॉम्पिटेंट है, तो ऐसे तो एक कोर्ट की बेइज्जती हो जाएगी अगर एक कोर्ट की बात नहीं मानी गई. तो ये पहला रीजन ये है. और ऑलरेडी कोर्ट्स पे आप देखो कितने सारे केसेस हैं, बैकलॉग ऑफ केसेस, उसमें आप अपने एक मैटर के लिए 10 कोर्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो भी सिविल सूट के लिए. पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टी भी परेशान होगी. मान लो एक पार्टी के फेवर में जजमेंट आ गया, ठीक है, वो डिक्री होल्डर बन गए. डिक्री होल्डर मतलब जिसके फेवर में जजमेंट आता है, और जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आता है वो कौन होता है, जजमेंट डेटर. तो अब मान लो डिक्री होल्डर जो है, अब भाई वो परेशान रहेगा कि इस कोर्ट में तो चलो मेरे मतलब लग रहा है कि मेरे फेवर में आ जाएगा फैसला, लेकिन दूसरे कोर्ट में मैटर जा रहा है, पता नहीं उधर मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा. फिर से वो मतलब बहुत इजी नहीं होता है किसी एक कोर्ट में जाके जजमेंट लेना, है ना, पूरा मैटर डिसाइड कराना, बहुत सारे इयर्स लग जाते हैं. अब उसमें आप अलग अलग कोर्ट में जा रहे हो तो एक तरीके से मतलब जो पार्टी सच में अग्रीव्ड होगी उस पार्टी का सोचो, उस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ऐसे इसके यही मतलब ऑब्जेक्ट्स है बहुत से, लेकिन ये बहुत मेजर मेजर ऑब्जेक्ट्स थे. तो अब आए सेक्शन की टेक्निकलिटीज में आते हैं. तो सबसे पहली चीज है, पहले एसेंशियल, मैं एसेंशियल्स बताऊंगी. एसेंशियल्स मतलब रेस सब्जुडिस का प्रिंसिपल ऑपरेशन में कब आएगा. तो पहला, दो सूट्स होने चाहिए, एक सूट पहले फाइल कर दिया गया हो और एक सूट बाद में फाइल, दोनों जो है अलग अलग कोर्ट्स में हुए हो. ठीक है,
तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है, दो सूट होने चाहिए, दोनों अलग कोर्ट में सूट होने चाहिए। और एक और बात, दोनों कोर्ट के पास जो ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, मतलब दोनों कोर्ट के पास अथॉरिटी है आपके मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा होता है कि जिस जो आपका पहला कोर्ट था, जैसे हम बोलेंगे फॉर्मर कोर्ट एड्रेस करके बोलेंगे, तो जब फॉर्मर कोर्ट में आप अपना इश्यू ले गए, मान लो फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है, फिर अब जब आप दूसरे कोर्ट में अपने मैटर को ले जाते हैं, यानी कि सबसिक्वेंट कोर्ट में अपने मैटर को लेके जाते हैं, तो उसमें रेस सब जुडिस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले कोर्ट के पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं थी। तो ये बात ध्यान रखनी कि दोनों कोर्ट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल क्या है, मैटर इन इश्यू जो है वो सेम होना चाहिए। अब मैटर इन इश्यू वर्ड का मतलब क्या है, आई नो कहीं ना कहीं समवेयर आपको इसका मतलब पता होगा, बट हाउ टू फ्रेम इट, मैटर इन इश्यू जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये वो मैटर है जिसपे कोर्ट 6 से 7 साल लगा देती है फैसला सुनाने में। मतलब ये वो मैटर है जिसपे जो पार्टी है रिलीफ क्लेम कर रही है, रिलीफ मांग रही है। ये वो मैटर है जिससे एक पार्टी का राइट डिटरमाइन होता है, दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी डिटरमाइन होती है। मतलब क्या चीज है जिसके अराउंड पूरा जो केस इन्वॉल्व हो रहा है, क्या मैटर है जिसे डिसाइड किया जा रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग मैटर इन इशू। एक इलस्ट्रेशन दे देती हूँ, मान लो ए है, उसने बी को सू किया, ठीक है, रेंट के लिए सू किया यहाँ पे, तो कि मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी थी, आपने रेंट नहीं दिया जो भी, तो यहाँ पे जो मैटर इन इशू क्या है, क्या होगा, रेंट है ना, तो यहाँ पे मैटर इन इशू क्या होगा, रेंट होगा। तो अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग होता है। मतलब मैंने तो जस्ट आपको ऐसे ही बता दिया। सपोज क्या कहते हैं कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक और इलस्ट्रेशन देती हूँ। सपोज कोई प्रॉपर्टी है, ओके, अब आप क्या है कि उसके ऊपर लड़ाई हो रही है पोजीशन की दो लोगों के बीच में, तो यहाँ पे मैटर इन इश्यू क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो लैंड है, ओके। मैटर इन इश्यू के बारे में थोड़ा सा और बताऊँ ना, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू, मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब जो सबसे बोलते हैं ना कि एकदम मेन पार्ट, मतलब उस क्वेश्चन में भी उस इश्यू में भी जो एकदम ही मेन होता है। दूसरा होता है मैटर कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू, ये वैसे एविडेंस एक्ट में है, लेकिन मैंने यहाँ पे बस आपको रेफरेंस के लिए बता दें, अगर आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे, और नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं। अब ये पता कैसे चलता है कि ये जो मैटर इन इशू में, मतलब यही ये वाला जो है ये सब्सटेंशियल और एक्चुअली इन इशू है, और ये दूसरा मतलब एक कोलेटरल इंसिडेंटली इन इशू है, ये कैसे पता लगता है, जब भी आपके प्लेंट और ये जो रिटन स्टेटमेंट फाइल होती है ना, उसे देखकर पता लग जाता है। सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज ए ने जो है बी को सू किया रेंट के लिए, ठीक है, अब रेंट के लिए सू किया, तो यहाँ पर जो हमारा मेन जो क्वेश्चन हो गया, रेंट हो गया। लेकिन अगर मान लो प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब कितना एरिया रेंट पे लिया था, उससे डिसाइड करना, उससे मेजर करना, ये सब क्या हो जाता है, कोलेटरली एंड इंसिडेंटली एन इशू, ठीक है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। मैं छोटे छोटे वर्ड पे इस वजह से एम्फेसिस देती हूँ कि जस्ट बिकॉज अगर आप इन वीडियोज को ही देख कर कहीं ना कहीं इट विल कंट्रीब्यूट इन ए गुड अंडरस्टैंडिंग, इन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आई ट्राई टू पुट माई मैक्सिमम एफर्ट्स विच आई कैन गिव थ्रू दिस वीडियोज। अब हमारे दो एसेंशियल्स हो गए, ठीक है, अब हमारा तीसरा एसेंशियल क्या है, सेम पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो पार्टी पहले है, जैसे मैंने ए और बी का एग्जाम्पल दिया इलस्ट्रेशन का, तो आप पहले कोर्ट में जो दो पार्टीज थे वो कौन थे, ए बी, ठीक है, तो दूसरे कोर्ट में भी जो पार्टीज जा रहे हैं वो कौन जाएंगे, ए और बी। अगर पार्टीज बदल जाते हैं तो क्या होगा, तो रेस जुडिस नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं पार्टीज बोल रही हूँ ना, तो मतलब पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह ये सब इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। फिर अगला एसेंशियल क्या है, फोर्थ एसेंशियल, सेम टाइटल, दोनों पार्टीज का सेम टाइटल होना चाहिए। अब टाइटल मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, आप किस कैपेसिटी में जो है इस सूट आपने फाइल किया, मतलब केस आप लड़ रहे हो, किस कैपेसिटी में पार्टीज लड़ रही हैं, वो कैपेसिटी मतलब टाइटल दोनों पार्टी का सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ए जो है वो एक कोर्ट में केस फाइल करता है अपनी प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, कहता है मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, बी के अगेंस्ट फाइल करता है बेसिकली, तो वो ए कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, बी ने जो है मेरी प्रॉपर्टी ले रखी है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है वापस चाहिए, ठीक है। अब जो भी उसका फैसला आता है, अब क्या करता है ए जो रहता है, अब क्या करता है, दूसरे कोर्ट में जाता है और एक और केस फाइल कर देता है।
और एक और केस जो फाइल करता है ना, वो बोलता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी के पोजेशन चाहिए, लेकिन इस बार वो ओनर की हैसियत से नहीं गया था, पिछली बार ओनर की हैसियत से गया था, इस बार गया मॉर्गेजर की हैसियत से। कहा कि मैंने सब प्रॉपर्टी अपनी जो थी मॉर्गेज कर रखी थी, मैं मॉर्गेजर हूँ, भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी की जो है पोजेशन वापस चाहिए। तो केस में रेस सब्जुडिस लगेगा? नहीं, क्यों? देखो इंसान एक ही है, लेकिन पहले कोर्ट में गया था ओनर की कैपेसिटी में और दूसरे कोर्ट में जा रहा है मॉर्गेजर की कैपेसिटी में, तो दोनों अलग अलग कैपेसिटी में जा रहे, तो रेस सब्जुडिस नहीं लगेगा। समझ आ गया? अगला एसेंशियल ये है कि जो मैटर हो पेंडिंग होना चाहिए, फाइनल डिसीजन अभी आया नहीं है। फिर लास्ट जो है वो ये है कि कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी थी, सो नॉट टेलिंग इन डिटेल। अब इस सेक्शन का एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर मान लो आपका कोई सूट है वो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, और आप सेम मतलब कॉज ऑफ एक्शन के लिए इंडिया में सूट फाइल कर रहे हो, तो क्या रेस सबजुडिस लगेगा? नहीं, रेस सबजुडिस नहीं लगेगा। रेस सबजुडिस समझ आ गया पूरा, इसके सेशन समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका एक इलस्ट्रेशन। मानो दो लोग थे, ए और बी, इन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए क्या करता है, अपनी कार बी को बेच रहा होता है, बी पैसा नहीं देता है, तो ए क्या करता है बेंगलोर में केस फाइल कर देता है बी के अगेंस्ट कि मुझे मेरा पैसा दिलवा दो। अभी मैटर चल ही रहा होता है, मैटर पेंडिंग है, वो चला जाता है बॉम्बे के किसी कोर्ट में और केस फाइल कर देता है, जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो बी के पास है, मुझे उससे दिलवा दो। तो क्या यहाँ पे रेस सबजुडिस लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब छह एसेंशियल यहाँ पे फिट करो और देखो यहाँ पे रेस सबजुडिस जो है वो लगेगा। अब केस तो अभी देखते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था इस केस में, नरेंद्रनाथ के केस में, इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन था, उसने दो केस फाइल किए, मतलब पहला केस उसने फाइल किया मेन प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। मेन प्रॉफिट क्या होता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैंने टीपी में बता रखा है। पार्ट में बताऊं तो यही, कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी के अनलॉफुल पोजीशन में है तो उससे जितना भी प्रॉफिट डिराइव हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं मेन प्रॉफिट। तो ये पहले मेन प्रॉफिट का केस फाइल करते हैं, फिर अगला केस जो है वो फाइल करते हैं उस प्रॉपर्टी के टाइटल के लिए। तो यहाँ पे जो था रेस सबजुडिस का प्रिंसिपल नहीं लगा। रीजन क्या था ना लगने का? रीजन ये था कि ये जो दोनों चीजें हैं ये अलग अलग है, मेन प्रॉफिट अलग चीज है और जो टाइटल है वो अलग चीज है। अगला केस ये कहता है कि जो सेक्शन 10 है ना, ये रूल ऑफ प्रोसीजर है, मतलब लॉ ऑफ द लैंड नहीं है। हमेशा लॉ ऑफ द लैंड और रूल ऑफ प्रोसीजर के बीच में अगर कंपैरिजन होता है किसी तरीके का, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ द लैंड जो है उसे ज्यादा वेटेज दी जाती है, ना कि प्रोसीजर को। तो ये जो है रूल ऑफ प्रोसीजर है, मान लो उसके कंट्रावेंशन में भी किसी तरीके का डिक्री पास हो गया, तो मैं कोर्ट में इस बात के लिए नहीं जाऊंगी कि ये तो सेक्शन 10 के कंट्रावेंशन में आ गया, मुझे जस्टिस चाहिए जस्टिस चाहिए। नहीं, ये क्या है, रूल ऑफ द प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसके मतलब इसके कंट्रावेंशन में भी किसी तरह की डिक्री पास हो गई तो डिक्री जो है वो नल एंड वॉइड नहीं होगी, डिक्री की वैल्यू जो है वो रहेगी। अब रेस सबजुडिस समझ आ गया? अब इसका टेस्ट क्या है, मतलब किसी सिचुएशन में रेस सबजुडिस लगेगा या नहीं लगेगा, इसे कैसे पता करें? तो इसके लिए रेस जुडिकेटा समझना जरूरी है, तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ रेस जुडिकेटा है क्या, फिर हम देखेंगे टेस्ट। रेस जुडिकेटा ये कहता है कोई भी आपका मैटर है किसी कोर्ट में डिसाइड हो गया है फाइनली, ठीक है, कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, डिग्री पास हो चुकी है, अब आप सेम मैटर को लेके किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, दोबारा से उस मैटर पे आप फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते, उस पे बार लगा देता है कोर्ट, ठीक है। इसके पीछे का रीजन ऑब्वियसली यही है कि ये क्या बात है, मतलब ये तो आपका भी जो सूट है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, इंडेफिनेट टाइम के लिए, इन्फिनिटी के लिए सूट चलता जाएगा। यहाँ पे आए इस मतलब आपको इस कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया, चलो दूसरे कोर्ट में जाते हैं, और वैसे भी कोर्ट के पास टाइम नहीं है इतना कि मतलब ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं और जो डिसाइडेड केसेस उसको दोबारा से डिसाइड किया जाए, राइट। तो रेस जुडिकेटा ये कहता है रेस जुडिकेटा में जो है मैटर डिसाइड हो चुका है, लेकिन रेस सबजुडिस में मैटर डिसाइड नहीं हुआ था, अभी पेंडिंग ही है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में बताया है, इस अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो अब टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट बेसिकली ये कहता है कि जिस भी आपने कोर्ट में अपना पहले जो फॉर्मर सूट फाइल किया, ठीक है, वहां पे भी आपका मैटर पेंडिंग है, और आपने क्या किया अभी दूसरे वाले कोर्ट में भी अपना सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दिया है,
तो मान लो अगर आपका पहला वाला जो मैटर जहां पे आपने फाइल किया था जो फॉर्मर सूट है उससे वो कोर्ट डिसाइड कर देती है। अब कोर्ट डिसाइड करने के बाद अगर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा उस पर तो रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल लगेगा। मतलब अब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है और आपके ऊपर बार लग चुका है कि आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते तो यहाँ पे भी रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल लगेगा। मतलब अब जब आपने दूसरे सब्सिक्वेंट कोर्ट में आपने जो अपना केस फाइल किया है ना, जो दूसरा वाला सूट दूसरे कोर्ट में जाके फाइल किया है, वो उस पे जो ट्रायल है उस पे स्टे लग जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस कोर्ट में आपने पहले अपना मैटर फाइल किया था मतलब जहां पे मैटर पेंडिंग है, अगर वो अपना मतलब फैसला सुना दे, फाइनल कर दे उसे, तो उसके बाद उस पे रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लग सकता है। मतलब आपके ऊपर बार लग सकता है कि आप किसी और कोर्ट में उस मैटर को लेके नहीं जा सकते। अपील वगैरह दूसरी चीज है, यहाँ मत जोड़ना उसे, तो वहां पे रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल लगता है। अगर अभी नहीं समझ आ रहा, वैसे समझ तो आ ही गया होगा जितना मुझे लग रहा है, नहीं समझ आया तो रेस जुडिकेटा समझोगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना है कि अगर मैटर डिसाइड हो गया उसके बाद से अगर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो बस, तो यहाँ पे रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल जो है अप्लीकेबल होगा। दूसरा जो कोर्ट है जिसमें मतलब आप बाद से गए थे अपने मैटर को लेके, वो कोर्ट आपके ट्रायल पे स्टे ऑर्डर लगा देगी, मतलब बार कर देगी, आपका ट्रायल नहीं करेगी। अब जो यहाँ पे ये जो मैं प्रोविजन बता रही हूँ, मतलब क्या ये जरूरी है कोर्ट के लिए मतलब रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल लगाना अगर जहाँ पर अप्लीकेबल है? बिल्कुल, अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेगा तो यहाँ पे शेल वर्ड लिखा है। शेल जहाँ पे आते हैं मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर अगला है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि सेक्शन से रिलेटेड। मान लो कोई ऐसा ऐसा मैटर आ जाता है जहाँ पे सेक्शन 10 की सारी चीज़ें तो अप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि मतलब दूसरे कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, इससे क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स होगी, तो कोर्ट ऐसे में क्या कर सकती है, स्टे लगा सकती है, क्योंकि कोर्ट के पास है इनहेरेंट पावर टू स्टे अंडर सेक्शन 151। ये तो ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, व्हेन यू विल स्टडी सेक्शन 151 यू कैन रिलेटेड देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई रियली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू।